हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। जनपद के प्राथमिक विद्यालयों को और बेहतर बनाए जाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। डीएम ने कहा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सबकी है जिम्मेदारी। बीजेपी ने मनाया बलिदान दिवस। जनसंघ के संस्थापक एवं भाजपा के प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। राजगढ़ थाना के पांडेहाता विसाता मार्केट में चोरों ने 3 दुकानों से उड़ाए हजारों के नकदी और सामान। घटना सीसीटीवी में कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। डीएम और एसएसपी ने थाना समाधान दिवस में सुनी जनता की समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश। कोतवाली थाने पर एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर टीम भेज कर किया समस्याओं के निस्तारण का प्रयास। जिला पंचायत सदस्यों की त्रैमासिक बैठक हुई संपन्न। पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाजें की बुलंदी। पीएम मोदी के कबीर मठ पर आने की तैयारियों की सीडीओ ने की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अंतर एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन हुआ संपन्न। नई कार्यकारिणी के गठन के तरीके पर एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने जताई नाराजगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ द्वारा सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण हेतु ऑडिशन 24 जुलाई से, जिला सूचना अधिकारी से कर सकते हैं संपर्क। तेज हवा से आरसी आवास का छज्जा गिरा, बाल बाल बचे आरसी परिवार। विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से अंडरग्राउंड पानी का पाइप फटा, लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद। 44वें दिन वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का उनके स्थापना दिवस के अवसर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। प्रेरक संघ का 6वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। नगर निगम पार्क में प्रेरकों ने चाय बेच कर किया विरोध प्रदर्शन। और बीती रात हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। नालों और सड़कों पर लगा बरसात का पानी।